Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning children. So let's continue with the lesson. So in the previous class we have learned about the teachings of Islam, right? हमें इस्लाम में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, right? हमें किसी से झूठ बोलना नहीं चाहिए, किसी को खर्च पर पैसा नहीं देना चाहिए, किसी के साथ बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, शराब पीना नहीं चाहिए और 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए और रमजान के पूरे रोजे रखने चाहिए, राइट? सो दिस आर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. नेक्स्ट, द रिच शुड कंपल्सरी गिव चैरिटी. जो रिच पीपल रहते हैं, जो अमीर रहते हैं, उन लोगों को चैरिटी देना चाहिए, जिसे ज़कात कहा जाता है. जो गरीब इंसान है, जो कुछ कर नहीं सकता, कुछ वो नहीं कर सकता, उनको वो ज़कात के फॉर्म में चैरिटी देनी चाहिए. द मुस्लिम शुड अंडरटेक पिलग्रिमेज टू मक्का हज एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ. ऐसा कहा जाता है कि हर मुसलमान को हज करना चाहिए अपने लाइफ टाइम में एक बार. ओके, सो नेक्स्ट कम टू द एक्टिविटीज. मेक अ लिस्ट ऑफ टीचिंग ऑफ जीसस एंड इस्लाम. फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज एंड द डिसिमिलैरिटीज टू देम. तो हमें, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपको एक लिस्ट बनाना है. सॉरी, जीसस एंड इस्लाम, एक साइड जीसस का ब्लॉक रहना चाहिए, एक साइड इस्लाम का ब्लॉक कॉलम. ओके, तो उन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज है वो आपको लिखना है. ओके, नेक्स्ट कम टू, यू शुड नो बेथलहम इज अ स्मॉल टाउन नियर जेरूसलम. इट इज इन द प्रोविंस ऑफ जेदवी, दैट इज जीसस वॉज बॉर्न इन ज्यूइश फैमिली. और जो जीसस किस फैमिली में बिलोंग करते हैं, तो वो ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन. रीड द लेसन केयरफुली एंड डू ऑल द बिट्स. ओके, just take the help of your mother and all and do that lesson. Okay, take care and Allah.